और सीधे बोले, सच्ची बात बोले, पुण्य कमाई है हमारे, तो अब तुम भरपाई करो, तुम्हारी शरण में है, तुम्हारे चरणों में है, जो तुम कृपा कर दोगी तो भला वो कृपा कोई और नहीं कर सकता, तो बस तुम्हारी कृपा चाहिए, हे महारानी तुम्हारी दया चाहिए। और ऐसी ही कृपा बरसी भक्ति के ऊपर। देखो दुनिया में घुमाई, वो अपनी स्थिति सही नहीं कर पाई, अपने बच्चों की स्थिति सही नहीं कर पाई, और आखिर में जाके जब वृंदावन पहुंची तो उसकी स्थिति सही हो गई, बच्चे फिर भी गड़बड़ में रहे। ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान और वैराग्य जिसने पुष्ट नहीं किया उसने कुछ पुष्ट नहीं कर पाया। ईश्वर को पाने के तीन साधनों में से पहला साधन भक्ति है, भक्ति के बाद ज्ञान चाहिए, ज्ञान के साथ वैराग्य चाहिए, और ये तीनों जब तक प्राप्त नहीं हुए परमात्मा नहीं मिल सकता, चाहे तुम कितने जतन कर लेना, कितने ही काम कर लेना, कितना ही सब कुछ कर लेना, अंतोगत्वा कष्ट होगा ये कि तुम कहोगे इतने भंडारे कर लिए, इतने तीर्थ कर लिए, इतनी यात्राएं कर ली, इतना ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन वो क्यों ना मिला। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तुम्हारी भक्ति ठीक है, ये प्रमाण है कि हम तीर्थों में है, ये प्रमाण है कि हम पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब करते हैं, ये भक्ति का प्रमाण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य आपके पैदा हो चुके हो। भक्ति तो युवा हो जाती है वृंदावन में आकर, खूब आनंद बरसता है, थोड़ा बहुत नहीं बरसता, बड़ा भारी आनंद बरसता है। एक टांग पर पूरा वृंदावन नप जाता है, खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, एक रेला बन जाता है, आनंद घन बरसता है, भक्ति नाचती है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य अगर अस्वस्थ है तो भक्ति चाहे कितना ही नाच ले गोविंद नहीं मिलने वाले। कड़वी बात है पर सच्ची बात तो यही है। लेकिन भक्ति अगर अपने कार्य को पुष्ट करते हुए सही तरीके से सही संगति में सही मार्ग पर चलती रहेगी तो ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और पहुंची अपने बच्चों को लेकर पहुंची, वहां जहां कथा हो रही थी, अब पहुंच के पूरी कथा का श्रवण किया, 7 दिन हुए, कथा का परिणाम आया, और कथा का परिणाम आया कि भक्ति महारानी प्रेम से भर गई, सामने साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए, श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, साक्षात प्रहलाद भी उनके साथ में है, अर्जुन भी उनके साथ में है, और सब बड़े आनंद के साथ कीर्तन चल रहा है, सब नाच गा रहे हैं, सनकादिक आदि इत्यादि सब, जो आनंद बरसा वहां। भक्ति रो रो पड़ी, रो रो पड़ी, रो रो पड़ी भगवान का दर्शन करके, तो भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान ने कहा बेटी उठ, क्या चाहती है? बोला आपकी शरणागति। भगवान प्रसन्न हुए, भक्ति को कहा आज से जा, मेरे भक्तों के हृदय में तू वास करेगी, भक्ति को वरदान मिल गया। तो ये बात तो सही है कि जिस हृदय में भगवान रहते हैं वही भक्ति रहती है, ये बात तो तय है। लेकिन इस भक्ति को और आगे जाना है, इस भक्ति को पहुंचना है वहां तक जहां तक पहुंचना चाहिए, और वो अवस्था है कौन सी? वो अवस्था है आपकी और हमारी स्थिति को सज्ज करने वाली, सज्ज करने वाली, और उस सज्ज करने की स्थिति को आपको समझना होगा, ये सौभाग्य का विषय है। आपको चाहिए अपनी भक्ति पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि अगर व्यक्ति में ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तो वो भटकेगी, उसकी उसकी टकराहट होगी, और हो सकता है कि उसके लिए कुछ लोग ठीक भी ना कहें। लेकिन अगर उसी व्यक्ति में ज्ञान है, वैराग्य है, तो भक्ति मीरा हो जाती है, क्योंकि जब उसका ज्ञान और वैराग्य प्रबल हो गया तभी तो जाकर द्वारकाधीश ने कहा आ बेटी आ जा, अब मैं सज्ज हूं। उस स्थिति पर पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। कक्षा में प्रवेश हो जाना की गारंटी नहीं है कि आप पास हो जाओगे, स्कूल में एडमिशन का मतलब यह नहीं है कि तुम पीएचडी हो जाओगे,
प्रवेश का मतलब है कि अब आप अपना कर्म कीजिए। भगवान ने हमें भक्ति दे दी, तीर्थ दे दिए, कथा सुनने को दे दी, सुन ली, अब इसको जीवन में उतारो, कर्म करो, सत्कर्म करो, प्रयास करो और अपने अपना निर्माण कीजिए। जितना महान निर्माण आप कर सकते हैं आप कीजिए। श्री सनकादिक ने बड़े प्रेम और भाव से भक्ति, महारानी, ज्ञान, वैराग्य आदि इत्यादि के बारे में चर्चा की और उस चर्चा को करने के बाद जब उन्होंने कहा कि कैसे करना है, क्या करना है, तो भगवान बताने लगे कि ये विधि के साथ आपको करना है। अर्थात बोला, कोई पापी हो तो क्या करेगा, कथा सुन के उसका कल्याण होगा? हर चीज की विधि है, बिना विधि के जीवन नहीं चलता। आप जब कोई संकल्प लेते हैं तो आपको ब्राह्मण देवता कहते हैं ना, आप अपना नाम उच्चारण कीजिए, आपके गोत्र का उच्चारण कीजिए, ये उच्चारण कीजिए, अपने मन में अपने संकल्प को धारण कीजिए जो आप चाहते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं।